किसी की इतनी आसानी से बुलाने से है, न जाने कैसे कैसे कर्म करने पड़े, कितने कितने पुण्य आत्माएं थी जिनके एक बुलावे पे कभी नहीं आया। वो आता कब है जब एक तड़पती हुई रूह यहां से आवाज निकलती है कि हारे के सहारे आ जाती है, दास पुकारे आ जाते, अब बाबा रहा नहीं जाता। तब बाबा का लीला घोड़ा हिनहिनाता है कि चल बाबा, तेरा एक भगत तुझे याद कर रहा है जिसको बड़ी दरकार है तेरी। उस वक्त बोली ने घोड़े की थमा लगाम खान की, एक पल में दौड़ा आता है, दोनों हाथ उठा, कोई हाथ नीचे किसी विश्वास से वो पूरे पूरे हाथ उठाए और तालियां बजा के बोले क्या बिना
इसमें बोलना है कि बाबा के भरोसे चलती तो आवाज नहीं निकलेगी, उठाओ जरा पूरे पूरे हाथ, जिसका हाथ नीचे उसकी तकदीर पंडान के पीछे, मेरा हाथ खुल लगा के डाली जो खाना
दुनिया चाहे सताए अपने चाहे बुलाए अपने चाहे सब मुझको क्या देंगे शाम मगर सब मुझको क्या देंगे तुमने पकड़ दिया हमको चलना सिखाया उंगली तुमने पकड़ के हमको चलना सिखाया जैसे उगते सूरज को नमस्कार जैसे उगते वैसे ही अब मेरा तू संसार है वैसे ही अब मेरा तू संसार चमके वह दुनिया में चमके वह दुनिया जिस पर कृपा शाम करते हैं चुप जाओ भी एक बार आप लोग बोल दो हम तो बाबा के आधे लोग बोल रहे आधे लोग खाली मुझ उतारे इसे अरे आवाज अगर इसके कानों तक जाएंगे तो जाने कितनी बिकनी बात बन जाएगी बोलो हम तो बाबा के पक्का बाबा ये चिंता तो नहीं कल स्कूल बच्चे को भेजना है सुबह उठते ही टिफिन बॉक्स तैयार करने आ गए बच्चे के इधर भाई लोग दुकान खोल लिए क्योंकि कारों बार मेरो साविरो चलावे भारी बैलेंस सीट कानूनों बनावे जी में घाटों को दे भी आवे ना जो यात्रा अभी पहुंची खाटू धाम 71 दिनों की उसमें न जाने कितनी सीट थी क्या उन्हें चिंता नहीं थी बिजनेस की लेकिन उन्हें पता था कि इस सौदे में मेरा घाटा नहीं न जाने कितना लंबा फायदा है वो फायदा एलआईसी का वो बॉन्ड जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तो उठा लो एक बार पूरे पूरे हाथ एक बार पूरे पूरे और तालियां बजा के मतलब क्या हम तो बाबा के भरोसे